लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 72 पहुंच गई है। ऐसे में दिल्ली के निजामुद्दीन इलाकों से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर करीब 300 लोगों में कोरोना लक्षण दिखे। बताया जा रहा है कि यह लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में करीब 1400 लोग शामिल हुए थे, इसमें 300 विदेशी लोग भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस, राज्य सरकार की स्वास्थ्य टीम और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम मौजूद है, जो इन पर निगरानी रखे हुए हैं। वहीं अभी तक 85 संदिग्धों को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले सऊदी अरब देशों से दिल्ली आए करीब 100 लोगों को रविवार रात निजामुद्दीन से एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना संदिग्धों की संख्या 125 तक पहुंची। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि देश में लॉकडाउन से ठीक दो दिन पहले निजामुद्दीन तबलीगी मरकज में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई थी, जो विदेश से यात्रा कर लौटे थे। इस भीड़ में मौजूद सभी लोगों पर कोरोना के संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। मरकज में शामिल लगभग 100 से अधिक संदिग्धों को दिल्ली के दो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस खबर से संबंधित सवालों के लिए कमेंट करके बताएं और ऐसी खबरें पढ़ने के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।